It's about our new theory of structuralism. Have you read about structuralism in linguistics? Anybody? लिंग्विस्टिक्स में आपने स्ट्रक्चरिज्म पढ़ा हुआ है? जी सर, ये स्कूल ऑफ थॉट है जी. कुड यू प्लीज टेल मी द डिटेल्स यू हैव रेड सो फार अबाउट स्ट्रक्चरिज्म. किस तरह से डिफाइन करते हैं स्ट्रक्चरिज्म को आप लिंग्विस्टिक्स में? क्या उसके फीचर्स हैं? क्या कैसा स्कूल ऑफ थॉट है? कुछ थोड़ा सा बता देंगे आप मुझे? आपकी ऑडियो जो है वो ऑडिबल नहीं है. आवाज आपकी ऑडिबल नहीं है, क्लियर नहीं आ रही. एनीबडी एल्स? मैम आप कुछ कहना चाह रही हैं? ओके जी. सर मैं ये कह रही हूँ कि ये जो है स्ट्रक्चरलिज्म में हमने ये पढ़ा था कि जो लैंग्वेज वो स्टडी ऑफ मीनिंग्स है, इसमें हम लैंग्वेज के जो करंट इशू है उनके बारे में बात करते हैं. ओके राइट. चले एज अ थ्योरी जो है वो हम स्ट्रक्चरलिज्म को देखते हैं और यहाँ पर ऑब्वियसली हम इसको देखते हैं कि एज टू हाउ स्ट्रक्चरलिज्म हेल्प्स अस कंट्रीब्यूट टू द मीनिंग ऑफ आर टेक्स्ट. राइट. स्ट्रक्चरलिज्म बेसिकली जो थ्योरी है वो फर्डिनेंड द सोर जो स्विस लिंग्विस्ट थे उनके जो है वो जनरल लेक्चर्स ऑन लिंग्विस्टिक्स पे बेस करती है और कॉन्सेप्ट जो है वो डेफिनेटली अरिस्टोटेलियन जो है वो बैकग्राउंड से कॉन्टेक्स्ट से आता है और ज़्यादातर जो है वो स्ट्रक्चरिज्म का कंसर्न जो है वो कैटेगराइजेशन ऑफ लिटरेरी राइटिंग्स है कि सिमिलर जो है वो एलिमेंट्स की बिना पर जो है किसी टेक्स्ट को किसी खास जॉनरा के अंदर जो है उसकी जो कैटेगराइजेशन है दैट इज द मेन कंसर्न ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म. फॉर एग्जांपल शॉर्ट स्टोरी है, जैसे नॉवेल है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, फार्स है, ग्रोटेस्क है, ठीक है, इस तरह से पोइट्री है. पोइट्री में फिर डिफरेंट आपके पास सब जॉनराज हैं, सोनेट है, लिरिक है, बैलेड है, एपिक है, एलिजाई है. सो तो इनके जो बुनियादी यूनिट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनकी बेसिस पर जो है वो किसी लिटरेरी टेक्स्ट की जो कैटेगराइजेशन है दैट इज द कंसर्न ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म एंड इट इज थ्रू दैट कैटेगराइजेशन दैट वी अराइव एट सम मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट. सो स्ट्रक्चरलिज्म इज अ वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड दैट ट्राइज टू रिड्यूस फिनोमिनन to their most basic level. तो बुनियादी जो उसका एक level है, जो उसके बुनियादी components हैं, units हैं, ठीक है, structuralism उनको deal करती है, right? Order और structure in everything is everything, ठीक है, जो बुनियादी यूनिट्स हैं वो किस तरतीब से. दो चीज़ें हैं जो स्ट्रक्चरिज्म जिनको डील करती है, एक वो बेसिक यूनिट्स हैं और एक बेसिक रूल्स हैं. किसी भी टेक्स्ट को जो है उसके बुनियादी जो कंपोनेंट्स होंगे, यूनिट्स होंगे और दूसरे जो रूल्स उन यूनिट्स के ऊपर जो लागू होते हैं या जिन रूल्स को फॉलो करते हुए वो यूनिट्स आपस में यूनाइट होते हैं टू मेक मीनिंगफुल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, तो उनको जो है वो फोकस करती है, यूनिट्स को और रूल्स को. तो इसलिए कहा गया कि ऑर्डर
ऑर्डर मतलब विच स्पेसिफिक रूल्स ऑपरेट टू यूनाइट द बेसिक यूनिट्स ऑफ एनी सिस्टम टू प्रोड्यूस मीनिंग, या वो जो स्ट्रक्चर है जो बनती है उन यूनिट्स के जो है वो एक ऑर्डर से उनको यूनाइट करने से आपस में इन एवरीथिंग, और हर एक चीज के अंदर जो है उसके ज़ाहिर बुनियादी जो है वो जुज्व हैं, जैसे हम लोग कहें कि एटम है तो एटम के भी आगे जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो एटम जो है वो मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स जो है वो फिर मिलकर आगे जो है वो आपके लिक्विड्स हैं, आपके आपके जो है वो सॉलिड्स हैं, आपके गैसेस हैं, तो ऑनवर्ड इस टाइप की। तो बुनियादी यूनिट्स पर उनमें ऑर्डर कैसे किस तरह से चीज़ें जो है वो मिक्सअप हो सकते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे हम लोग जो है वो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, प्रपोजिशन है, इंटरजेक्शन है, डिटर्मिनर्स हैं, ठीक है, और आर्टिकल्स हैं, तो इन चीज़ों को ये बुनियादी एलिमेंट्स हैं, इनको किस किन रूल्स के तहत, जैसे इंग्लिश सेंटेंस का रूल जो है वो है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो आपने इस रूल को फॉलो करना है। जब आप लोग पैसिव करेंगे बनाएंगे उसका तो फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब जो है वो साथ बी की कोई शक्ल आ जाएगी, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगी, अगर जरूरी है तो बाई का इस्तेमाल करेंगे और फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, जो सब्जेक्ट है यानी उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ जाएगी, और उधर जो ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो गया तो उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म आ जाएगी। इस तरह से आपने नेगेटिव्स बनाने हैं तो उसका एक पर्टिकुलर रूल्स है हर एक तरह से, इसी तरह से इंट्रोगेटिव बनाने हैं तो उसके रूल्स हैं, इसी तरह से डिफरेंट और स्ट्रक्चर्स हैं, आप ऑपरेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो उनके अपने रूल्स हैं, इस तरह से आप लोग मॉडल्स यूज करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज करते हैं तो उनके अपने जो है वो रूल्स हैं, इस तरह डिफरेंट जो है वो करेक्शन के रूल्स हैं जो आप लोग फॉलो करते हुए जो है वो करेक्ट सेंटेंसेज जो है, करेक्ट पैटर्न जो है, करेक्ट स्ट्रक्चर जो है, सेंटेंसेज जो है वो बिल्डअप करते हैं। तो इसी तरह से जब इस से एक सेंटेंस से लेके जो है वो उसके बुनियादी यूनिट्स को, फिर उसके अंदर पूरी ग्रामर को ले लें, पूरी लैंग्वेज को ले लें, इसी तरह से जो है वो एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल से जो है वो पूरी एक फैमिली बनती है, और फैमिली से जो है वो फिर एक कम्युनिटी, फिर एक जो है वो कल्चर डेवलप होता है, फिर एक सिविलाइजेशन है, ठीक है। तो इस तरह से जो है मतलब उसको सिर्फ लिटरेचर तक महदूद नहीं किया गया, या उसे सिर्फ लिटरेरी स्टडीज तक महदूद नहीं किया गया, बल्कि उसको एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर, चाहे वो मैथमेटिक्स इक्वेशंस हैं, वहाँ पर भी जो है वो आप लोग स्ट्रक्चरिज्म को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से ह्यूमैनिटीज के अंदर जो है, या जो लिटरेरी स्टडीज हैं, तो वहाँ पर भी स्ट्रक्चरिज्म को लागू किया जाता है। स्ट्रक्चरिज्म सीज एनी फिनोमिनन एज कंसिस्टिंग ऑफ टू डायमेंशंस, यूनिट्स एंड रूल्स, ठीक है, यूनिट्स एंड रूल्स। जैसे एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड इन स्ट्रक्चरल पैटर्न्स, चाहे वो सोसाइटी है, चाहे वो कल्चर है, चाहे वो लैंग्वेज है, चाहे वो लिटरेचर है, ठीक है, इवन के आपकी थॉट, आपकी साइकोलॉजी, आपका बिहेवियर, इट हैज सम पैटर्न, इट हैज सम स्ट्रक्चर, इट हैज इट्स बेसिक कंपोनेंट्स। द मॉडल कम्स ओरिजिनली फ्रॉम एरिस्टोटेलियन साइंस एंड मोस्ट स्पेसिफिकली फ्रॉम सिसरियन लिंग्विस्टिक्स एंड हैज बीन यूज्ड इन एंथ्रोपोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड लिटरेरी एंड कल्चरल स्टडीज अमंग अदर्स, एंड इट वॉज पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंशियल इन द एरा बिटवीन वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड 1960s। तो 1945 ऑलमोस्ट और उसके बाद जो है वो 1960 तक जो है स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल रही, लोग इसको यूज़ करते हुए जो है वो डिफरेंट टेक्स्ट के, या लिटरेरी स्टडीज़ के अंदर, या मैथमेटिक्स के अंदर, तो इसको ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता था। इससे पहले साथ जो है वो आप लोग फॉर्मलिज्म पढ़ चुके हैं, न्यू क्रिटिसिज्म पढ़ चुके हैं, तो दे वर प्रेवलेंट। व्हाटएवर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस स्टडी, स्ट्रक्चरलिस्ट स्टडी, स्ट्रक्चरलिस्ट एनालिसिस लुक्स टू फाइंड द मोस्ट बेसिक और फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम और स्ट्रक्चर, जिसमें ने भी जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात की, और वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी आप लोग जैसे कोई भी वर्ड है
तो अगर आप उसकी जो है वो फोनोलॉजिकल सिस्टम में चले जाएं तो आपके पास एक मीनिंगफुल मिनिमल मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड जो है फोनीम की सूरत में मौजूद होता है। इसी तरह से आपके पास दूसरी साइड पे जो है वो मॉर्फीम होता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग लेक्सीम जो है वो यूज करते हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर। सो डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट जो है वो आपके पास यूनिट्स मौजूद है। तो बुनियादी जो मकसद होता है, जो फंडामेंटल मॉडल है, ठीक है, इट लुक्स टू फाइंड द मोस्ट बेसिक और फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम और स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर बनती है उसके अंदर। विच आर द यूनिट्स ऑफ दैट स्ट्रक्चर, यूनिट्स कंबाइन विद ईच अदर अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रूल्स। तो जो दो डायमेंशन पहले बताई हैं यूनिट्स और रूल्स की, तो पहले जो है वो फाइंड आउट करना है कि बुनियादी यूनिट्स कौन से जिनसे कोई चीज मिलकर बनी है, और दूसरा वो यूनिट्स किन कवानीन के तहत आपस में मिले हैं कि एक मीनिंगफुल जो है वो स्ट्रक्चर हमारे सामने आई है। स्ट्रक्चरिज्म लुक्स एट द यूनिट्स एंड रूल्स एंड हाउ दे वर्क टुगेदर टू फॉर्म एनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे आप लोग एक सादा फिक्रा है आपके पास, और फिर आप रूल चेंज करते हैं, उसे पैसिव भी बनाते हैं, नेगेटिव्स भी बनाते हैं, इंट्रोगेटिव भी बनाते हैं, ऑपरेटिव सेंटेंस भी बनाते हैं, इंपेरेटिव्स भी बनाते हैं। सो यू यूज सर्टन रूल्स फॉर दैट पर्पस। तो उन रूल्स को जो है वो यूनिट्स के साथ साथ देखा जाता है, जो जो है वो आपकी डिफरेंट किस्म की जो स्ट्रक्चर्स हैं या एनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जो है उसको डेवलप करने में हेल्प करते हैं। वेदर इट इज अ सिग्निफाइंग सिस्टम, चाहे ये कोई जो है वो सिग्निफाइंग सिस्टम हो, जैसे आपका लैंग्वेज है उसमें साइंस होते हैं, मैथमेटिकल जो है वो इक्वेशंस हो, जैसे मैंने पहले कहा, चाहे कोई बिल्डिंग है, चाहे कोई कल्चरल सिस्टम है, जैसे कि किनशिप का जो है वो एक स्ट्रक्चर है। तो कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई भी सिस्टम है, उसमें उसके बुनियादी जो अज्जा हैं, बुनियादी जो यूनिट्स हैं, उनको देखा जाता है और उन कवानीन को जो है वो देखा जाता है जो उस उन यूनिट्स को आपस में जो है वो यूनाइट करते हैं, मिक्सअप करते हैं, ताकि वो कोई मीनिंगफुल जो है वो स्ट्रक्चर डेवलप कर सके। जैसे आप लोग जो है वो इवन कंप्यूटर का जो है वो उसके बुनियादी यूनिट्स को लेकर के, तो आप लोग उन रूल्स को देखते हैं जिनसे जो है वो फिर आगे बहुत सारे काम जो है वो सर अंजाम देते हैं। इस तरह कैलकुलेटर में भी वो कोई भी गैजेट्स है वो भी अपने बुनियादी यूनिट से मिलकर बना होता है, और वो सर्टन रूल्स फॉलो करता है जिससे फिर वो आगे मुख्तलिफ फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। सो ट्रेडिशनली स्ट्रक्चरलिज्म टेक्स अ व्यू ऑफ फिनोमेनन। स्ट्रक्चरलिस्ट आर नॉट इंटरेस्टेड इन चेंज ओवर टाइम और इन हिस्ट्री। स्ट्रक्चरलिज्म जो है इस चीज से उनका कोई जो है वो सरोकार नहीं होता कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो क्या क्या चेंजेस डेवलप हो गई हैं चीजों के अंदर, और जो है वो बैकग्राउंड क्या था, मौजूदा दौर में क्या है, 10 साल पहले क्या था, 20 साल पहले क्या था। तो दैट इज नॉट द कंसर्न ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो इस बात पे जो है वो फोकस करता है कि बुनियादी अज्जा क्या है किसी चीज के और रूल्स क्या है जिनको फॉलो किया जाता है, ठीक है। वो पूरे उस सिस्टम के को जो है वो उसके ऊपर जो है वो बेस कर रहे होते हैं, और जो रूल्स हैं वो आपका सिस्टम है जिसको जो है वो फॉलो करते हुए जो है वो कोई भी चीज जो है वो कोई आउटपुट जो है वो आपके सामने लेके आती है। सो आप लोग जो है वो सिंपल अबेकस मशीन से जो चाइना के अंदर जो है वो डेवलप हुई और उससे जो है वो आज के जो है वो फास्टेस्ट किस्म के कंप्यूटर्स हैं, सुपर कंप्यूटर्स हैं, या गैजेट्स हैं आपके पास, स्मार्टफोन्स हैं, तो वो बेसिकली इस सारी जो हिस्ट्री है इसके अंदर जो चेंजेस डेवलप होती रही हैं उनसे सरोकार नहीं है। उनको इस बात से सरोकार है कि जो भी चीज बनी हुई है वो किन कवानीन को जो है वो फॉलो करती है, कौन से रूल्स जो है उनके फंक्शंस में कारफरमा है, और बुनियादी यूनिट्स क्या है उनके। सो स्ट्रक्चरलिज्म इन लिटरेरी स्टडीज हैज फोकस्ड प्राइमरीली ऑन क्लासिफाइंग लिटरेरी वर्क्स अकॉर्डिंग टू द जॉनरा और नैरेटिव स्ट्रक्चर। जिसमें मैंने पहले कहा कि लिटरेरी स्टडीज के अंदर जो है स्ट्रक्चरलिज्म को बुनियादी तौर पर हम लोग यूज करते हैं कि किसी टेक्स्ट को देखा जाता है कि उसके बुनियादी अज्जा क्या है, उसको और रूल्स किस तरह से हैं फॉलो करते हैं, कौन से नैरेटिव जो है वो टेक्निक्स यूज की जाती हैं, नैरेटिव स्ट्रक्चर क्या है, और उसकी बेसिस पर जो है वो उसको किसी ना किसी जो डिफरेंट लिटरेचर की जॉनराज हैं, जैसे मैंने कहा पोइट्री है, प्रोज है, इस तरह से नॉवल है, ड्रामा है, ड्रामे के अंदर फिर ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, फिर आगे कॉमेडी में डिफरेंट जो है वो सब जॉनराज हैं,
पोइट्री में सब जॉनराज हैं, ठीक है। इसी तरह से जो है वो आपकी जो है वो शॉर्ट स्टोरी है, तो उस उन कैटेगरीज में जो है वो उस लिटरेरी टेक्स्ट को आप लोग शामिल कर देते हैं कि ये फ्ला ग्रुप जो है, फ्ला जॉनराज जो है उसके साथ इसका ताल्लुक है, बिकॉज इट इज इट हैज अ सिमिलर स्ट्रक्चर टू दैट पर्टिकुलर जॉनरा एंड इज मोस्ट यूजफुल फॉर कैटेगराइजिंग टेक्स्ट इनटू पर्टिकुलर ग्रुप्स विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स रादर देन फॉर एनालाइजिंग द कंटेंट ऑफ इंडिविजुअल टेक्स्ट। बजाय इसके कि आप इंडिविजुअल टेक्स्ट की जो है वो कंटेंट को पकड़ के तो उसकी एनालिसिस करें, वो भी पॉसिबल है। आप लैंग्वेज को, चॉइस ऑफ वर्ड्स को, जो सेंटेंसेस वहाँ पे दिए जा रहे हैं, कैरेक्टर्स का कैरेक्टराइजेशन है, या और इस तरह से प्लॉट की जो कंस्ट्रक्शन है, थीम्स हैं, मतलब उनको भी जो है वो चीज़ों को देखा जा सकता है। इंडिविजुअल को भी, इंडिविजुअल टेक्स्ट को भी जो है वो स्ट्रक्चरिस्ट एनालिसिस उसका किया जा सकता है, कौन कौन से बुनियादी जो है वो अज्जा हैं उसके अंदर, कौन कौन से रूल्स हैं जिनको जो उसके उसके स्टाइलिस्टिक फीचर्स हैं जो है उनको जो है वो एनालाइज किया जा सकता है स्ट्रक्चरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दिस इज हाउ स्ट्रक्चरिज्म वर्क्स इन लिटरेरी स्टडीज। जो सेंट्रल पॉइंट है स्ट्रक्चरिज्म का, दैट इज बाइनरी ऑपोजिशंस, ठीक है। बाइनरी ऑपोजिशंस क्या हैं? जो डिफरेंट जो एंटिटीज हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट जो एंटिटीज हैं, एलिमेंट्स हैं, जो जिनके जो खास हैं वो एक दूसरे के जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। जैसे आप लोग उसको ऑन एंड ऑफ है, तो ये एक बाइनरी है, बाइनरी ऑपोजिशन है, ठीक है। इसी तरह से ट्रू और फॉल्स है, इसी तरह से प्रेजेंस और एब्सेंस है, मेल और फीमेल है, डे एंड नाइट है, जो है वो स्पीच एंड राइटिंग है, तो ये डिफरेंट जो है वो बेसिकली स्टेट है जो डिफरेंट है, एक्सक्लूसिव कंडीशंस है, ठीक है। ऑन है तो ऑन है तो ऑफ है, ठीक है। अगर राइटिंग है तो राइटिंग है, स्पीच है तो स्पीच है, स्पीच राइटिंग नहीं हो सकती और राइटिंग जो है वो स्पीच नहीं हो सकती, मतलब जो डिफरेंट स्टेट्स की बात हो सकती है। इस तरह से लिटरेरी टेक्स्ट आर कंपोज्ड ऑफ अ सीरीज ऑफ साइंस दैट मेक अप देयर हिडन लॉजिक। जो लिटरेरी टेक्स्ट होती हैं बेसिकली वो सीरीज ऑफ साइंस हैं। लैंग्वेज जो होती है वो आपकी एक साइंस सिस्टम है, जिसमें आप लोग जाहिर है साइन जो है वो दो चीज़ों का मुरक्कब होती है, एक जो है वो साउंड इमेज है आपका उसका, ठीक है, प्लस वो साइन है जो उसके अंदर जो है वो सिग्निफायर है, ठीक है। साउंड इमेज है और सिग्निफायर वो मिलके जो है वो एक साइन बनाते हैं। तो जो टेक्स्ट होती है वो बेसिकली वो इन साइंस पर एक सिलसिला है, उसका सिलसिलावार जो है वो एक सीरीज है जो उन साइंस पर जिन पर वो मुश्तमिल होती है टेक्स्ट, दैट मेक अप देयर हिडन लॉजिक, और उनका जो है वो एक अपना हिडन लॉजिक होता है, वो जो साइंस है। लेकिन साइंस में हम लोग ये देख चुके हैं, ये बेसिकली डिफरेंट जो है वो सिस्टम ऑफ रिलेशंस है, लैंग्वेज जो है, और उसमें यूनाइटेड स्टेट प्राग स्कूल है, कोपेनहेगन स्कूल है, उसमें डिफरेंट जो लैंग्वेज हैं उनकी एक जो है वो मैपिंग की हुई है। वेल, स्ट्रक्चरलिज्म ओरिजिनेटेड इन द अर्ली 1900s इन द स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स ऑफ फर्डिनेंड द सॉर, जो स्विस लिंग्विस्ट थे, तो उसके जो है वो बुनियादी जो है वो जो लेक्चर्स हैं जनरल लिंग्विस्टिक्स पे, उन में जो है बेसिकली स्ट्रक्चरलिज्म का जो है वो स्टार्ट होता है। सब्सिक्वेंटली टेकन अप बाय द प्राग रोमन जैकबसन, जो प्राग स्कूल है, ठीक है, मॉस्को एंड कोपेनहेगन स्कूल्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स, उन्होंने जो है वो उसको अडॉप्ट किया, जैसे कि लास्ट स्लाइड में मैंने अभी जो है वो आपको सिस्टम ऑफ रिलेशंस के तौर पर दिखाया कि यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है, आपके पास ब्लूमफील्ड है, हैरिस है, चॉम्स्की है, इस तरह से प्राग स्कूल में आपके पास जो है वो टूबर्स्कॉय है, जैकबसन है और ग्लीसन लैम है, इस तरह कोपेनहेगन जो स्कूल ऑफ थॉट है उसमें जेमसेल्व है, स्लेव है,
पाइक है और हेलिडे है, ये डिफरेंट जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं लैंग्वेज के हवाले से एज अ साइंस सिस्टम, तो उसको वो डील करते हैं। फिर इसको जो है वो फर्देंसेस और के जो उस जो जो थेरी थी उसकी लैंग्वेज के हवाले से जो उसके पॉइंट्स थे, तो उसको जैकोबन जैकबसन या जो प्राग स्कूल ऑफ थॉट है उसने अडॉप्ट किया। इन द लेट 1950s एंड अर्ली 60s स्ट्रक्चरलिज्म लिंग्विस्टिक्स वॉज चैलेंज बाय नॉम चॉम्स्की एंड अदर लाइक थेरिस्ट। फिर नॉम चॉम्स्की आ गया तो उसने जो है वो इसको चैलेंज भी किया, उसका एक अपना जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू था लैंग्वेज के अंदर हवाले से उसने उसको डिस्कस किया हुआ है। फिर क्लॉड लेविस स्ट्रॉस है जो जिसने स्ट्रक्चरलिज्म को रिवाइव किया और उसने जो है कल्चरल स्टडीज या उसकी जो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज है तो उसको इंट्रोड्यूस करवाया, उसकी स्टडी के अंदर जो है वो स्ट्रक्चरलिज्म को जो है वो कंट्रीब्यूट करता है उसके थ्रू जो है। फर्डिनेंस सोर जो है स्विस लिंग्विस्ट 1857 टू 1913 जो है दैट इज द लाइफ स्पैन ऑफ फर्डिनेंस सोर। दीज आर सर्टेन पॉइंट्स ऑफ हिज, कहता है कि लैंग्वेज इज नॉट जस्ट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स एंड द थिंग्स दे डेजिग्नेट। लैंग्वेज इज नॉट जस्ट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स एंड द थिंग्स दे डेजिग्नेट, के लैंग्वेज जो है वो महज एक जो है वो रिलेशनशिप के बारे में नहीं है, जो अल्फाज हैं और जिन चीज़ों को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको वो डेजिग्नेट करते हैं, जिनको वो प्रोजेक्ट करते हैं, तो सिर्फ उनका रिलेशनशिप देखने के लिए लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन सिस्टम या इस टाइप के नहीं है, बल्कि इसके जो है वो और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत कुछ और भी जो है बातें हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनको ये डील करती है। सो ही इंट्रोड्यूसेस द आइडिया ऑफ लिंग्विस्टिक सिग्निफायर और सिग्निफाइड है, और उसमें साइन का जो है वो लेके आता है। लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ साइंस, लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ साइंस rather than a naming process. It's not just the naming process, जैसे ऊपर उसने कहा कि words और उन चीज़ों जिनको वो represent कर रहे हैं सिर्फ उनके नामों का ही जो है वो relationship नहीं है या naming process नहीं है। Each sign has two binary opposites. Each sign has two binary opposites. वो दो क्या है, opposites क्या है, एक signifier है और एक signified है। The sound pattern of a word either in mental projection or in actual physical realization of a speech act and a signified the concept or meaning of the word. अब इसको उसने दो चीज़ों के अंदर दे दिया, एक को उसने जो है वो log कह दिया और दूसरा जो था वो parole कह दिया, log और parole। इसको लिखेंगे आप लोग स्पेल करेंगे LONGUE, लेकिन जो इसका जो है वो इसको प्रोनाउंस करेंगे तो दैट इज लॉग। लॉग जो है वो स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज एंड पैरोल जो है दैट स्टैंड्स फॉर जो स्पीच है आपकी, जो स्पीच इवेंट है, स्पीच एक्ट है, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं, एक साइन जो है वो दो चीज़ों पर मुश्तमल होती है, एक साइन सिग्निफायर पे और एक जो है वो सिग्निफाइड, दो चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं, दो बाइनरी ऑपोजिशंस हैं। सिग्निफायर जैसे आप लोग कुछ लफ्ज़ प्रोनाउंस करते हैं उसकी स्पीच जो है, उसकी आवाज़ जो है, ठीक है, एक वो चीज़ है, या आप लोग लफ्ज़ लिखते हैं तो उसकी वो जो फिज़िकल जो स्टेट है, ठीक है, जैसे आप किसी लफ्ज़ है आपका ट्री है, आप ट्री बोला है तो आपने ट्री आवाज़ जो है इसकी, और अगर आपने टी आर डब्ल्यू लिखा है तो वो दैट इज कॉल्ड सिग्निफायर, उसकी साउंड पैटर्न भी या उसका वो जो रिटर्न है वो भी। एंड सिग्निफाइड द कॉन्सेप्ट, अब वो जो ट्री का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, या उस लफ्ज़ जो आपने लिखा हुआ है ट्री टी आर डब्ल्यू, उसके मानी जो है वो एक्चुअल सिग्निफाइड है, जिसको जो है वो लफ्ज़ जिसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, जिसकी अलामत है, राइट। Do you understand my point? Signifier or signified का idea समझ आ रहा है आपको? Yes sir. Okay. Well, इसमें जो है ना lecture के दौरान आप लोग अगर कोई बात समझ नहीं आ रही होती तो आप लोग kindly जो है उसमें मुझे
जो है वो ज़रूर बताएं कि सर ये इस बात की समझ नहीं आई या इस पॉइंट को मज़ीद एलेबोरेट कर दें, इसमें हमें मज़ीद वजाहत की ज़रूरत है। कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप ज़रूर उसे रेज करें, ठीक है, ताकि मुझे समझ आए कि आप लोगों को कितनी समझ आ रही है और कितनी समझ नहीं आ रही, ताकि कहीं कहीं अगर ज़्यादा एलेबोरेशन की इलस्ट्रेशन की ज़रूरत है तो मैं वो आपको प्रोवाइड करूँ, ठीक है। The basic purpose, 4090 सोसो हमने सर हाफिज के पास पे पढ़ा था तो इसकी समझ आ रही है। राइट, ठीक है, वो अच्छी बात है कि अगर आप लोगों को उसके पास पहले से बैकग्राउंड नॉलेज है उसका तो दैट्स अ गुड थिंग, आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हो चीज़ें। बट फिर भी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि जो है वो अगर बंदा जिसको उसको वहाँ पे उसके पास बैकग्राउंड नॉलेज ना हो या पहले उसने कोई लेक्चर अटेंड ना किया हो या कोई इस टाइप की कोई डेफिशिएंसी हो तो उसको कवर अप किया जा सके टाइमली, ताकि अगली बातें जो है वो आपको आसानी से समझ आ सके। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइमली रिस्पॉन्स। ये एक जो है वो मिसाल है जो आप लोग देख सकते हैं, इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं सिग्निफायर और सिग्निफाइड को, ठीक है, जो एक्चुअल जो है वो चीज़ और जो वर्ड है या आप उसको जिस तरह से प्रोनाउंस करते हैं तो बेसिकली दोनों चीज़ें मिलकर जो है वो एक साइन बनाती है। ओके, सो साइन इज इक्वल टू सिग्निफायर एंड सिग्निफाई, दीज टू बाइनरीज थिंग्स दैट गिव मीनिंग, वर्ड है या इमेज है तो दीज आर सिग्निफायर। इस तरह से सिग्निफाइड है व्हाट इज इवोक्ड इन द माइंड, जो मेंटल कॉन्सेप्ट आपका जो एक्चुअल चीज है, ठीक है, अभी हम लोग इसकी बात कर रहे थे तो ये हमारा एक मेंटल इमेज जो है इसको देख के जो लफ्ज़ को जैसे डॉग है DOG तो हमारे जहन में एक इमेज उभरता है डॉग का क्या चीज़ है, जानवर है, पेट है, ठीक है, तो दैट इज सिग्निफाइड। और DOG जो आपका वर्ड लिखा हुआ है आप उसको डॉग बोलते हैं तो दैट इज द सिग्निफायर। तो दोनों जो है वो मिक्सअप में होके जो वो साइन बनाते हैं। साइन इज बेसिकली साइन कंप्राइजेस सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, दोनों चीजें मौजूद होती है उसके अंदर। सो डिफरेंट वर्ड्स कैन डिस्क्राइब द सेम ऑब्जेक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स, डिफरेंट वर्ड्स कैन डिस्क्राइब द सेम ऑब्जेक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स, ऑल्टरनेटली द सेम वर्ड कैन डिस्क्राइब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स। तो दोनों चीजें जो है वो मुमकिन है, डिफरेंट वर्ड्स एक कॉन्सेप्ट को बयान कर सकते हो या एक कॉन्सेप्ट जो है वो डिफरेंट वर्ड्स के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन किया जा सकता है, बयान किया जा सकता है। हेंस अ स्पेसिफिक साइन डज नॉट ऑलवेज हैव टू बी यूज्ड टू एक्सप्रेस अ गिवन सिग्निफायर, राइट, अ स्पेसिफिक साइन डज नॉट ऑलवेज हैव टू बी यूज्ड टू एक्सप्रेस अ गिवन सिग्निफायर, साइंस आर देयरफॉर आर्बिट्री, ठीक है, साइंस जो होती हैं वो आर्बिट्री होती हैं, ठीक है, यानी जिस चीज के लिए वो स्टैंड करती हैं उनके दरमियान जो रिलेशन है साइन के और उस जो है वो एक्चुअल चीज जो है उनके दरमियान जो रिलेशन है इट इज आर्बिट्री, देयर इज नो लॉजिक, ठीक है। जैसे अगर एक चेयर है तो मतलब हमने उसका नाम रख लिया चेयर बट वी डोंट हैव एनी लॉजिकल आंसर टू दैट कि हमने इसका नाम जो है वो चेयर क्यों रखा है, ठीक है, और इसलिए जो है वो अब वो चेयर चूंकि वो मरवज है सारी सोसाइटी जो है वो खास किस्म के ऑब्जेक्ट को उसके अंदर जो एक सिटिंग सीट होती है उसके जो है वो पाए होते हैं चार बैठने के लिए पीछे जो है वो टेक लगाने के लिए उसका जो है वो हिस्सा होता है तो दैट इज अ चेयर। अब वो चेयर कई किस्म की होती है, ठीक है, आर्म चेयर है, रेस्टिंग चेयर है, रिवॉल्विंग चेयर है, एग्जामिनेशन चेयर है, ठीक है, विशमार चेयर है, बट द आइडिया रिमेन्स द सेम, ठीक है। तो मतलब ये है कि उस ऑब्जेक्ट के और उसके नाम में जो है जो भी साइन आप लोग यूज करेंगे तो एक आर्बिट्री रिलेशन है, कोई लॉजिकल नहीं है, ये नहीं कि उसका कोई जो है वो कोई ऐसा लॉजिक है उसके पीछे के नाम रखते हैं, हम लोग उसका कोई और नाम भी तो रख सकते थे, हम उसको बेंच कह देते, बेंच को चेयर कह देते, ठीक है, या उसको टेबल कह देते तो टेबल को चेयर कह देते, तो वी कुड डू द सेम थिंग, ठीक है। जैसे बहुत सारे बच्चों के नाम पेरेंट्स रखते हैं तो बाद में वो चेंज भी कर देते हैं, ये नहीं कि उसका नाम जो पहले रखते तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप अब उसका जो है वो कोई ये कोई देर इज समथिंग नेचुरल जो है वो कोई लॉजिकल जो है वो कनेक्शन है उसके अंदर,
ऐसा नहीं है, इट्स आर्बिट्री, ठीक है, विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट एनी रीजन. साइंस दस गेन देयर मीनिंग फ्रॉम देयर रिलेशनशिप्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स कंट्रास्ट विद अदर थिंग्स अदर साइंस. ठीक है, तो साइंस जो है वो बेसिकली उनके मीनिंग जो होते हैं वो उनके रिलेशनशिप्स के साथ जो है वो जुड़े हुए होते हैं, कि उनका रिलेशनशिप जो है वो अपने इर्द गिर्द की दूसरी चीज़ों से कैसा है. ठीक है, जैसे आप फादर को, किंग को, चेयरमैन को, इसी तरह से जो है वो चेयरपर्सन है या लीडर है, तो डिफरेंट वर्ड्स हैं, और आप किसी सेंटेंस में जो है वो उनको जो है वो अगले सेंटेंसेस में, अगला जो सेंटेंस का हिस्सा है, ठीक है, जैसे सब्जेक्ट होता है और एक जो है वो उसका जो दूसरा हिस्सा है, ठीक है, तो सब्जेक्ट के अलावा, अब उसकी बेसिस पर जो है वो आप लोग उसका रिलेशन देखेंगे, उस लफ्ज के जो है वो कौन सा लफ्ज जो है वो मोस्ट बिफिटिंग है उस अगले जो है वो हिस्से की वजह से. लेट्स यस, अब द कैट है, अब आपके पास जो है वो वर्टिकली भी है कुछ वर्ड्स हैं, और इसी तरह से जो है वो आपके पास जो है वो हॉरिजॉन्टली भी जो है वो वर्ड्स हैं. आपके पास ऑप्शन है कि कौन सा जो वर्ड है अपने उस किस ऑर्डर में लगाना है कि वो मीनिंगफुल बन सके. ठीक है, जैसे पिछले सेंटेंस में देखिए, द कैट, आप जंप यूज कर सकते हैं, आप सैट यूज कर सकते हैं, आप रैन यूज कर सकते हैं, स्लेप्ट यूज कर सकते हैं, थ्रू अप यूज कर सकते हैं, पीट यूज कर सकते हैं, स्टूड यूज कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन जो बकिया सेंटेंस है, इस तरह से आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है, वर्टिकल ऑप्शंस हैं, ये भी एक खास जो है वो रिलेशन को शो कर रहा है, और अगर हॉरिजेंटली आपके पास जो है वो रिलेशन हैं वर्ड्स के, तो वो भी एक खास किस्म के रिलेशन को शो करता है. ठीक है, दैट इज ऑल्सो गिव्स मीनिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, इस तरह से वजह से ये हॉरिजेंटली जो होंगे वो आपके सिंटैग्मेटिक एक्सिस है, सिंटैग्मेटिक रिलेशंस होंगे, और जो आपका जो है वो वर्टिकल जो रिलेशंस होंगे तो दैट इज पैराडिग्मेटिक एक्सिस है, और इसको पैराडिग्मेटिक रिलेशंस कहते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके पास पैराडिग्मेटिक रिलेशंस हैं जिनको शो किया जा रहा है. द कैट, कैट ने क्या किया ऑन द मैट, जो है वो जंप किया है, पीट किया है, स्टूड किया है, सैट है, रैन है, स्लेप्ट है, थ्रू अप है. ठीक है, तो वो मीनिंग जो है वो आपको वो मिल जाएंगे. जी, कॉन्सेप्ट है ये, साइंस है. ठीक है, परसेप्शन आपकी जो है, इसको देख के इंसान को देखे कि किसके साइंस ये हो सकते हैं. कन्वेंशनली हम लोग इसको देखते हैं, ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट हो सकता है. ठीक है, वो डिफरेंट भी हो सकता है. एक्सपीरियंस क्या है, ये एक सेमियोटिक जो है वो ट्रायंगल है जिसके अंदर साइंस जो है, अब ये साइंस जो है हो सकता है कि डॉग के हो सकते हैं, किसी लायन के भी हो सकते हैं, किसी जो है वो लेपर्ड के भी हो सकते हैं, किसी कैट के भी हो सकते हैं. ठीक है, बट कन्वेंशन उसके अंदर जो है एक्सपीरियंस जो है उसको जो है वो मद्देनजर रखा, उसकी बेसिस पर जो है वो परसीव, तो वो हम लोग मीनिंग अटैच करते हैं उसके अंदर. स्टडी ऑफ साइंस, सेमियोटिक जो है दैट इज स्टडी ऑफ साइंस. ये सिग्निफायर है, सिग्निफाइड है. जैसे सिग्निफाइड क्या है, पैशन है. सिंबॉलिकली रेड रोजेस के थ्रू जो है वो आपके खास किस्म के जज्बों की अकासी करता है, सिंबॉलिक उसके मानिए. फिर इसी तरह से फायर है, उसका सिग्निफायर क्या है, स्मोक है. ठीक है, ये उसकी इंडेक्सिकल मीनिंग है. ठीक है, इस तरह से डॉग है और उसका पिक्चर ऑफ द डॉग लगा देंगे तो वो उसका आइकॉन है, आइकॉनिक मीनिंग हो जाएंगे उसके. सो सिंबॉलिक भी हो सकते हैं, इंडेक्सिकल भी हो सकते हैं, आइकॉनिक भी हो सकते हैं. ये कॉन्सेप्ट है, इसी तरह से जो पूरी ट्राइंगल फिर दोबारा से इनसे जो है वो उसी तरह से दिखाई गई भी है. इंटरनल रियलिटी क्या है, एक्सटर्नल रियलिटी क्या है, ठीक है, उसमें कहाँ पे जो है वो कौन सी चीज़ जो है वो हो सकती है, साइन क्या है, और वो थिंग क्या है, मेंटल इमेज क्या है. ठीक है, उन चीज़ों को जो है वो साइंस एंड सिग्निफायर और सिग्निफाइड को जो है वो समझने की तरफ जो है एक और स्लाइड आपके पास है.
ये सेंडर और रिसीवर का जो है वो कम्युनिकेशन मॉडल है, जो मैसेज आपको कन्वे किया जाता है सेंडर की तरफ से, क्या जो है वो रिसीवर को वैसे ही मैसेज मिलता है, इज द इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, या जो भी उसके अंदर जो है वो फर्क है। ओके, नेक्स्ट जो है वो रोमन जैकबसन जो है वो स्ट्रक्चरिज्म के हवाले से बात करता है, एंड द टर्म स्ट्रक्चरिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू लिंग्विस्टिक्स बाय जैकबसन इन द अर्ली डेज ऑफ द लिंग्विस्टिक सर्कल ऑफ प्राग स्कूल स्कूल ऑफ थॉट फाउंडेड इन 1926. While Saussure focused on examining language as a static system of interconnected units, Jacobson's structural linguistics suggests that the identity of a sign is determined by its existence in a state of contrast with other signs that can be either syntagmatic or paradigmatic. So, वहाँ पे जो है वो जो system Saussure जो है वो इंट्रोड्यूस करवाता है, ठीक है, इंटरकनेक्टेड यूनिट्स का, जैकबसन जो है वो अपने स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स उसकी बुक का नाम है, वहाँ पे वो सजेस्ट करता है कि आइडेंटिटी ऑफ अ साइन इज डिटरमाइंड बाय इट्स एग्जिस्टेंस इन अ स्टेट ऑफ कंट्रास्ट विद अदर साइंस, कि दूसरी साइंस की जो मौजूदगी में जो है उनके उनकी उनके साथ क्या कंट्रास्टिंग फीचर है जिसकी वजह से, तो ये वो साइन जो है वो डिटरमाइन होता, उसकी आइडेंटिटी डिटरमाइन होती है। जैसे मैंने भी बहुत सारे कुछ लफ्ज आपके सामने गिने थे, फादर है, किंग है, चेयरमैन है, ठीक है, इसी तरह से लीडर है, तो चंद में से तो वो कौन सा लफ्ज जो है वो फादर इसलिए फादर है क्योंकि वो किंग नहीं है, वो चेयरमैन नहीं है, वो लीडर नहीं है, ठीक है, इसलिए आप लोग उस फिक्रे के अंदर उसके उसकी उसके उसकी जो आइडेंटिटी है वो इस तरह से डिटरमिन होगी, इस तरह से लीडर की आइडेंटिटी डिटरमिन होगी। तो साइंस जो है वो बेसिकली they gain their identity by their contrasting feature with the other signs, ठीक है, वो जो syntagmatic भी हो सकती हैं और paradigmatic भी हो सकती हैं, जैसे मैंने आगे जो है वो paradigmatic और syntagmatic जो आपको जो है वो चार्ट दिखाया उसका। So paradigmatic relations are sets of units that exist in the mind. For example, the phonological set cat, bat, hat, mat, fat, और the morphological set है ran, run, running. The units of a set must have something in common with one another. तो जैसे हमारे पास father, chairman, king, leader जो है उसमें एक highest rank है, जैसे leader का rank, जैसे king का rank, जैसे chairman का rank, जैसे father का rank, family के हवाले से, organization के हवाले से, mission के हवाले से, state के हवाले से, तो उनका एक अपर जो देर मस्ट बी समथिंग कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है जैसे कैट फोनोलॉजिकल में ए वाली जो साउंड है आपकी वो कॉमन है सब में, है कैट, बैट, हैट, मैट, फैट, और इसी तरह से जो है वो यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल है आपका सेंट्रल वॉवल जो है लफ्जों का वो चेंज है, सिंपल रैन, रन, रनिंग, ठीक है। The units of a set must have something in common with one another, but they must also contrast with each other. आपस में उनका जो है वो कंट्रास्ट भी होना चाहिए, ठीक है, तभी अंदाजा होगा कि कौन सा लफ्ज जो है वो सेंटेंस में रूल्स को फॉलो करते हुए हम लोग उसको बाकी लफ्जों के साथ जो है वो बाकी यूनिट्स के साथ जो है वो अकॉर्डिंग टू द रूल जो है वो यूनाइट कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। सो एल्स दे वुड कोलैप्स इनटू अ सिंगल यूनिट, ठीक है, अगर उनके अंदर कंट्रास्टिंग फीचर नहीं है तो फिर वो एक ही यूनिट कहलाएगा, फिर उसके अंदर जो है वो उसकी नई आइडेंटिटी नहीं बनेगी, वो सेम आइडेंटिटी ही रहेगी। सिंटैग्मैटिक रिलेशंस आर टेंपरल एंड कंसिस्ट ऑफ अ रो ऑफ यूनिट्स, ठीक है, रो जैसे वो मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो दिखाया डिफरेंट वर्ड्स आपको। रिलेशंस आर टेंपरल एंड कंसिस्ट ऑफ अ रो ऑफ यूनिट्स दैट कंट्रास्ट विद वन अनदर, लाइक द मैन हिट द बॉल और द बॉल वॉज हिट बाय द मैन। What units can be used in each part of the row is determined by the units that surround them. ठीक है, कि अब हम लोगों ने कौन सा यूनिट लफ्ज जो है कैसे इसको यूज करना है, जैसे हम लोगों ने पहले जो एक्टिव किया है द मैन हिट द बॉल आपका सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो आपने वहाँ पे जो है वो फॉर्म पहली फॉर्म जो है वो इस्तेमाल की उसकी हिट की, बट द बॉल वॉज हिट बाय द मैन वहाँ पर हिट की आपने थर्ड फॉर्म यूज की है,
ठीक है. सो व्हाट यूनिट्स कैन बी यूज्ड इन ईच पार्ट ऑफ द रो इज डिटरमाइंड बाय द यूनिट्स दैट सराउंड देम. ठीक है, तो हमें उसको देखना पड़ेगा कि उस वर्ड की जहां पे प्लेस है उसके इर्द गिर्द जो है उससे पहले और उसके बाद के अल्फाज कैसे हैं, एक्टिव सेंटेंस का पैटर्न क्या है और पैसिव सेंटेंस का पैटर्न क्या है. यू हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ द सिस्टम. ठीक है, सो देयर इज देयरफॉर एन इंटरवीविंग इफेक्ट बिटवीन सिंटैग्मैटिक एंड पैराडिग्मैटिक रिलेशनशिप. तो उनके दरमियान आपस में जो है वो एक इंटरवीविंग जो है वो रिलेशन मौजूद है जिसको जो है वो फॉलो करते हुए हम लोग सिंटैग्मैटिक और पैराडिग्मैटिक जो रूल्स हैं यूनिट्स के हवाले से उनको फॉलो करते हुए यूनिट्स को आपस में मिक्सअप करते हैं, यूनाइट करते हैं. ये जो है वो आपके पास पैराडिग्मैटिक जो है वो हैं और ये आपके पास जो है वो सिंटैग्मैटिक और पैराडिग्मैटिक दोनों एक्सिस पे दिखाए हुए हैं. सैंग, डाइड, क्राइड जो पैराडिग्मैटिक एक्सिस है, बॉय डाइड, बॉय सैंग, बॉय क्राइड. इस तरह से आप पैराडिग्मैटिक मैन बॉय या मैन हो सकता है, मैन क्राइड, मैन डाइड, मैन सैंग. ठीक है, इस तरह से आप आर्टिकल को यूज कर सकते हैं तो उससे जो है वो मखसूस बनाने के लिए. बॉय मखसूस नहीं है बट द मैन क्राइड वो शख्स जिसने जो चिल्लाया, द मैन डाइड वो शख्स जो जिसकी डेथ हो गई, द मैन सैंग वो शख्स जिसने कोई कुछ गुनगुनाया कुछ गाया, वहाँ मखसूस करने के लिए जो है वो आप लोग उसको सिंटैग्मैटिक एक्सिस के साथ जो है वो यूज करते उसको रूल्स को फॉलो करते हैं. पैराडिग्मैटिक सब्स्टिट्यूट्स हैं आपके पास और नीचे जो है वो सिंटैग्मैटिक एसोसिएट्स हैं. द कलर ऑफ दिस शर्ट इज वेरी ब्राइट हो सकता है, शार्प हो सकता है. आप उसको लाउड नहीं कह सकते, आप उसको सॉल्टी नहीं कह सकते, बिकॉज आप लोगों को उसके रो के अंदर जो चीज़ें हैं उनको देखना पड़ेगा कि बाकी यूनिट्स क्या कहते हैं, क्या वहाँ पे लाउड जो है वो प्रॉपर वर्ड होगा या ब्राइट प्रॉपर वर्ड है या सॉल्टी प्रॉपर वर्ड होगा या शार्प प्रॉपर वर्ड होगा. तो आपने उसमें से ऑप्शन जो है सब्स्टिट्यूट्स लेने हैं. इसी तरह से द वॉल्यूम ऑफ दिस म्यूजिक इज वेरी ब्राइट, नहीं कर सकते, लाउड करेंगे आप लोग उसको. ठीक है, इस तरह से द टेस्ट ऑफ दिस जो है वो चीज इज वेरी सॉल्टी, सॉल्टी. ठीक है, इस तरह द ब्लेड ऑफ दिस नाइफ इज वेरी शार्प. ठीक है, इसको जो है आप लोग इस तरह से जो है वो एक मीनिंगफुल जो है वो सेंटेंस देखते हुए कि इर्द गिर्द के जो अल्फाज हैं वो क्या है उसके पहले उसके बाद में, फिर आप उसकी आइडेंटिटी डिटरमिन करते हैं. अब जो है वो ब्राइट, लाउड, सॉल्टी और शार्प चारों के चारों जो है वो एक ही कैटेगरी से जो है वो एडजेक्टिव की कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं, पर हर एक की जो है वो दूसरों के साथ एक कंट्रास्ट है. एडजेक्टिव होना उनके दरमियान कॉमन फैक्टर है लेकिन हर एक जो है वो डिफरेंट आइडेंटिटी के साथ है, कंट्रास्ट कर रहा है. शार्प कुछ और चीज़ है, सॉल्टी कुछ और चीज़ है, लाउड कुछ और चीज़ है और ब्राइट कुछ और चीज़ है. उससे पहले जो हम लोग यूज़ करते हैं कलर, वॉल्यूम, टेस्ट या ब्लेड, ठीक है, तो अगले जो नाउन्स हैं, ठीक है, उनके साथ और फिर उसके साथ एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव ऑलवेज जो है वो क्वालिफाई और मॉडिफाई और से समथिंग अबाउट अ नाउन. एडजेक्टिव जो है उसकी ये खासियत, उसकी डेफिनेशन ये है कि वो किसी नाउन के बारे में जो है वो कुछ ना कुछ कहता है. तो हमें कुछ प्रॉपर एडजेक्टिव जो है वो प्रॉपर नाउन की जो है वो वजाहत के लिए, उसकी किसी क्वालिटी को एक्सप्रेस करने के लिए जो है वो यूज़ करना पड़ता है. तो दिस इज़ हाउ उसकी जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो एक मीनिंगफुल स्ट्रक्चर जो है वो डिवेलप होती है पैराडिग्मैटिक और सिंटैग्मैटिक. तो ये रूल्स हैं बेसिकली, ये यूनिट्स हैं जिनको हम लोग जो है वो आपस में उन रूल्स को फॉलो करते हुए यूनाइट करते हैं और उससे फिर हमें हमारे पास मीनिंगफुल स्ट्रक्चर जो है वो आती है. यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो फॉर्मलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म का जो है वो कंट्रास्ट दिखाया गया है. हम लोग क्विकली जो है वो इसको एक दफ़ा गो थ्रू करते हैं, उसके बाद मैं नेक्स्ट जो प्रेजेंटेशन है फॉर्मलिज्म के सॉरी स्ट्रक्चरलिज्म के हवाले से उसके ऊपर अगर टाइम हुआ तो हम बात करेंगे इंशाल्लाह. अदरवाइज फिर नेक्स्ट सेमेस्टर नेक्स्ट जो है वो वीक में फिर हमारी बात जो है वो फर्दर आगे बढ़ेगी स्ट्रक्चरलिज्म के हवाले से कि किस तरह से हम लोग यूनिट्स और जो है वो रूल्स के थ्रू जो डिफरेंट लिटरेरी टेक्स्ट हैं. ठीक है, अभी हम लोग बात करें लैंग्वेज के हवाले से, फिर हम लोग लिटरेरी टेक्स्ट के हवाले से बात करेंगे उसको किस तरह से एनालाइज किया जाता है इंडिविजुअल टेक्स्ट की बात और फिर किस तरह से उनको डिफरेंट जो है वो फीचर्स की बिना पर
डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड किया जाता है स्ट्रक्चरल बेसिस पे. फॉर्मलिज्म जो है एनालाइजेस इंटरप्रेट्स एंड इवेल्युएट्स द इनहेरेंट फीचर ऑफ अ टेक्स्ट. इनहेरेंट जो फीचर्स हैं किसी भी टेक्स्ट के, ये उनको जो है वो एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है और इवेल्युएट करता है. स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई ऑल एलिमेंट्स ऑफ द टेक्स्ट ऑल देयर डिफरेंट लिंग्विस्टिक लेवल्स. ठीक है, फोनीम्स हैं, मॉर्फीम्स हैं, लेक्सिकल कैटेगरीज हैं, नाउन फ्रेजेस हैं, वर्ब फ्रेजेस हैं, सेंटेंस टाइप्स हैं. तो ये उनकी जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जो बुनियादी यूनिट्स हैं, उनको एनालाइज करता है. ठीक है, कहाँ पे किस तरह से कौन से कैसे फोनीम्स हैं, ठीक है, किस तरह के मॉर्फीम्स यूज हुए हैं, किस किस्म की लेक्सिकल कैटेगरीज जो हैं, अल्फाज किस तरह की हैं, ठीक है, नाउन फ्रेजेस कैसी हैं, वर्ब फ्रेजेस कैसी हैं, सेंटेंस टाइप्स कौन कौन सी जो है वो यूज किए हुए हैं, तो ये भी उसको जो है वो डील करता है स्ट्रक्चरलिज्म. दीज फीचर्स इंक्लूड ग्रामर, सिंटैक्स एंड लिटरेरी डिवाइसेस. ठीक है, तो ये फीचर जो है, जो इनहेरेंट फीचर्स की बात करते हैं हम लोग फॉर्मलिज्म के अंदर, वो फीचर जो है उसमें ग्रामर शामिल है. ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म भी उसके ऊपर फोकस करती है, रूल्स हम लोग उसको जब एक्सप्लोर करते हैं उसके अंदर. सिंटैक्स है, वो पैटर्न्स जो है वो हम लोग स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर भी जो है वो एनालाइज करते हैं, जिनके तहत जो है वो अल्फाज को सर्टन रूल्स को फॉलो करते हुए हम पैटर्न्स डेवलप करते हैं. सिंटैक्स मीन्स पैटर्न. एंड लिटरेरी डिवाइसेज, ठीक है, और लिटरेरी डिवाइसेज जो है वो आपके लेक्सिकल कैटेगरीज हैं. ठीक है, उसमें भी आप लोग इन चीज़ों को देखते हैं, वहाँ पर ऊपर भी एक जो है वो कंपेरेटिव उनके अंदर एलिमेंट मौजूद है, और यहाँ पर भी लिटरेरी डिवाइसेज जैसे आपके मेटाफर्स हैं, सिम्बल्स हैं, इस तरह से सिमिलीज हैं, ठीक है, डिफरेंट पर्सोनिफिकेशन है. तो The formalist approach reduces the importance of a text, historical, biographical and cultural context. Formalism में ये होता है कि हम लोगों का जो मुकम्मल फोकस होता है that is on the text. और हम लोग जो है वो टेक्स्ट के ना तो हिस्ट्री को जो है वो देखते हैं, ना उसकी जो है वो बायोग्राफिकल जो एक एलिमेंट है उसके ऊपर जाते हैं, और ना ही कोई उसका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट जो है उसको स्टडी करते हैं. वी एक्सक्लूसिवली स्टडी द टेक्स्ट इट्सेल्फ. Whatever we have to find out, we have to find it out from the text whatsoever. So text is the only source for meaning. ठीक है, उसके बाद structuralism जो है recognizes that the significance of each word within a text is determined by internal as well as external factors. ठीक है, historical भी, biographical भी और cultural context भी जो है उसके अंदर जो है वो मद्देनजर रखा जाता है. ठीक है, क्योंकि उसके अंदर internal जो तरीकाकार हैं और जो एक्सटर्नल हैं, किसी के बायोग्राफिकल हैं, हिस्टोरिकल हैं, ये कल्चरल कॉन्टेक्स्ट हैं, दे आर आल्सो इन्वॉल्व्ड. ठीक है, फॉर्मलिज्म एनालाइजेस द वे टेक्सुअल एलिमेंट्स अचीव डीफेमिलियराइजेशन बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंस फ्रॉम देयर एनवायरमेंट. लिटरेरी टेक्स्ट कैन बी सेट टू बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स themselves. So literature focuses on its own form. Its focus is on the message rather than on the reader. In reality, texts have more than one function simultaneously. As literature refers to itself, it also refers to the outside world, since it incorporates many referential content about this world along the artistic elements of its own आइडेंटिटी. तो जो रियलिटी में जो है वो चीज़ें देखी जाती हैं, तो लिटरेचर के अंदर जो है उसकी अपनी फॉर्म भी होती है. ठीक है, अपना एक डिज़ाइन भी होता है, बट उसके अंदर बहुत सारे जो रेफरेंसेस ऐसे हैं जो ना सिर्फ इनसाइड बल्कि आउटसाइड वर्ल्ड के मुतालिक भी जो है वो होते हैं. एंड व्हेन वी इंटरप्रेट इट, व्हेन वी एनालाइज इट, सो वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल रेफरेंसेस, एक्सटर्नल वर्ल्ड एज वेल. ठीक है, टू मेक आउट कंप्लीट मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट. सो स्ट्रक्चरलिज्म एक्सपेंड्स द फॉर्मलिस्ट नोशन ऑफ फंक्शन. इट एक्सप्लेन्स हाउ लिटरेचर इज कंसर्न्ड विद इटसेल्फ एज इट आल्सो इज कनेक्टेड विद द आउटसाइड वर्ल्ड. तो स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो फॉर्मलिस्ट ही का जो कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन है टेक्स्ट के हवाले से, तो वो उसको फर्दर जो है वो एक्सपेंड करता है और उसे इंटरनल से निकाल के
है वो एक्सटर्नल तक लेके आता है, कि उसके अंदर हिस्टोरिकल, बायोग्राफिकल, कल्चरल, ठीक है, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको मद्देनजर रखा जाता है। इज इट इनफ फॉर टुडे? चले, यहाँ तक जो है वो मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ क्लास में, आप लोग इसको देख लीजिएगा, प्लस इस लेक्चर का लिंक शेयर कर दूंगा ताकि आप उसे दोबारा सुन सकें। कहीं से कोई प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली यू मस्ट हैव योर क्वेश्चंस, तो नेक्स्ट जब हमारी क्लास होती है तो उसमें आप अपने क्वेश्चंस के साथ आएँ, अपनी रीडिंग्स के साथ आएँ, ताकि जो है वो फर्दर जो है वो हम लोग स्ट्रक्चरिज्म के हवाले से एक अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डिवेलप कर सकें। इफ एनीबडी हैज़ अ क्वेश्चन, एनी कॉमेंट, most welcome.